गुजरात मेल, एक अलग नाम, एक अलग ही पहचान। दोस्तों, जो हमारी ट्रेन नंबर 12902 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल गुजरात मेल है, ये अहमदाबाद जंक्शन से चलती है और वडोदरा, सूरत, बोरीवली के रास्ते मुंबई सेंट्रल तक जाती है। अब इस जर्नी में ये टोटल 14 स्टॉप्स में रुकती है और ये काफ़ी बेहतरीन ट्रेन है इस रूट की, क्योंकि इस रूट में एसी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस के होने के बावजूद आपको गुजरात मेल में सीट नहीं मिलेगी। हमारी अंगड़िया कम्युनिटी के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होने के कारण इस ट्रेन को अंगड़िया एक्सप्रेस भी कहते हैं। ट्रेन मुंबई तक पहुंचने के लिए 8 घंटे 25 मिनट का समय लेती है, जिसमें ये टोटल 493 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करती है। 5 फरवरी 2012 तक ट्रेन में ड्यूअल ट्रैक्शन के WCM2 लोकोमोटिव लगा करते थे, पर उसके बाद से जब मुंबई लाइन पूरी AC कन्वर्ट हो चुकी थी, तब वडोदरा के WAP7, WAP5 लोकोमोटिव इस ट्रेन में लगना शुरू हो गए। 2016 में ट्रेन LHB हो चुकी है और अब आज की जर्नी हमारी शुरू होती है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से हमारी LHB गुजरात मेल में। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की ये शानदार जर्नी हमारी होने वाली है अहमदाबाद से लेकर मुंबई सेंट्रल के बीच सबसे कमाल की गाड़ी, जो कि डेली ट्रेन है और भारत की ऐसी ट्रेन है जिसमें सबसे ज़्यादा AC कोच चल सकते हैं, यानी हमारी गुजरात मेल, जिसमें 7 3-टायर के कोच, 3 2-टायर के कोच और 1 1-AC का कोच सकता है, यानी टोटल 11 AC के कोचेज हैं, 7 स्लीपर हैं और बाकी तरह के कोचेज हैं। तो आज ये कमाल की जर्नी होने वाली है इस ट्रेन में। चलिए मैं आप लोगों को मिलाता हूँ हमारे दोस्तों से। ये हमारे दुमो भाई, ये रहे हमारे भविन भाई, ये जो है अहमदाबाद से ही है, ये अनुज भाई और ये हमारे एक और दोस्त जो आज हमें यहीं पे ज्वाइन हुए। तो दोस्तों, आप लोग का गुजरात मेल के बारे में क्या रिव्यू है, कैसी हो सकती है जर्नी? सबसे बेस्ट कुछ तो खास रीज़न होगा ना, सबसे पहली ट्रेन है मैंने सुना ऐसा अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल की, सबसे ज़्यादा AC कोचेस, प्रेस्टीजियस ट्रेन। और हमने ये भी सुना है कि ये ट्रेन जल्दी 130 KMPH की रफ्तार में दौड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, तो कमाल की रहने वाली ये जर्नी। थैंक्स अ लॉट आप सभी का इसमें आने के लिए और इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए। हम लोग की जर्नी अब से कुछ समय शुरू होने वाली है। अभी समय हो रहा है 9:41 और लगभग 10 बजे हम लोग यहाँ छूटेंगे। कल 6:30 AM हम लोग मुंबई पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं जर्नी कैसे रहती है और गुजरात मेल का ये कंप्लीट रिव्यू आपको इसी जर्नी में मिलेगा। दोस्तों, एग्जैक्टली 10 o'clock हमारी ये जर्नी गुजरात मेल में शुरू हो चुकी है अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में। दूसरी तरफ हमारे आ चुकी है डबल डेकर एक्सप्रेस, जो कि इसी बीच में चलती है। दोनों ही गाड़ियां पैक चलती हैं और दोनों ही अपने टाइम के लिए पंक्चुअल और मशहूर हैं। तो फाइनली हम लोग चल चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से छूटती है गुजरात मेल हमारी, जो कि आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 7 से WAP7 लोकोमोटिव्स के साथ छूट चुकी है। तो दोस्तों, हमारा फाइनली डिपार्चर हो चुका है अहमदाबाद जंक्शन से। कुछ चीज़ें हैं जो इस गुजरात मेल को बहुत ही ज़्यादा मशहूर बनाती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाती हैं। वो चीज़ें इसके नंबर ऑफ AC कोचेज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 11 कोचेज की है। डेली ट्रेन है, बहुत ही पुरानी ट्रेन है, लगभग उन ट्रेनों में से है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में अपने शुरुआती दिनों में चली थी और जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार है। ये ट्रेन अपनी पंक्चुअलिटी के लिए भी जानी जाती है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेन कितनी पंक्चुअल है, ट्रेन की रफ्तार क्या रहती है पूरी जर्नी, और ओवरऑल इस ट्रेन का इंटीरियर, ट्रेन के बारे में रिव्यू आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा। हालांकि ये नाइट जर्नी है तो बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और एंजॉय करिए इस वीडियो को।
चले चले 110 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। और देख सकते हैं वैसे टॉयलेट का ठीक है, थोड़ा सा गंदा है, बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, पर फिर भी अलग ये जो एरिया है इसमें पानी भर गया है, बाकी साफ है। जंक्शन और आनंद की खास बात ये है कि जो अमूल के प्रोडक्ट जो आप लोग यूज़ करते हो घर में वो यहीं से आते हैं। प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे के सारे यहीं से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से प्रोड्यूस होती हैं। और आनंद की खासियत है कि जो स्टेशन का आउटर है वहीं पर अमूल की फैक्ट्रीज लगी हुई है, जहाँ पे मिल्क और जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे बनाए जाते हैं। मिल्क टैंकर्स जो हैं जो आप लोग ट्रेन के पीछे अटैच देखते होंगे कई बार, वो भी यहीं से लगाए जाते हैं। यहाँ से मिल्क उसमें फिल किया जाता है और बाद में उन्हें जिस जगह पहुँचाना होता है उस रूट की ट्रेन के पीछे लगा दिया जाता है और वो आगे की जर्नी उसमें कंटिन्यू करते हैं। तो सो अब से हम कुछ हम चलने वाले हैं आनंद से, और फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ वडोदरा रेलवे स्टेशन में, और आप लोग को इंट्रोड्यूस कराता हूँ वडोदरा रेलवे स्टेशन से और दिखाता हूँ कैसा दिखता है। आनंद आप लोग देख सकते हैं मेरे इस तरफ, चलिए दूसरी तरफ भी दिखा देता हूँ आप लोग को आनंद, और फिर मिलते हैं हम लोग वडोदरा में। तो गुजरात मेल की अगर क्लीननेस की बात की जाए तो बहुत ही शानदार ट्रेन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा आप देख सकते हैं, सीटें भी क्लीन है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ लोग बैठे हुए। बहुत ज़्यादा RAC है, 7 3 AC के कोचेस हैं, 3 2 टायर है, 1 1st AC है, लेकिन फिर भी एक सीट भी खाली नहीं है। और जो मेरी भी अभी RAC की सीट है, मेरी शेयरिंग सीट है पैसेंजर के साथ, तो मैं भी बैठा हुआ हूँ उसी में। और मैं इसलिए वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को अंदर का, क्योंकि ज़्यादा ही क्राउडेड है, फिर कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड है, लोगों को बुरा लग सकता है कि आज रात में रिकॉर्डिंग क्यों चल रही है, क्योंकि हर तरह के लोग चलते हैं, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बाहर से आपको चीज़ समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आनंद से और मैं आप लोग से मिलूँगा, तो चलिए चलते हैं आनंद से और मैं आप लोग से मिलता हूँ वडोदरा रेलवे स्टेशन। दोस्तों हमको वडोदरा रेलवे स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया है, आउटर से पहले एक स्टेशन पड़ता है वहाँ पे हम रुके हुए हैं, नाम तो खैर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, रात का अंधेरा है। और अभी हमें ओवरटेक करने वाली है जहाँ तक भुज मुंबई सेंट्रल AC एक्सप्रेस, जो कि आ चुकी है हमारे पीछे। चलिए आप लोग भी देखिए इस ओवरटेक को, जो कितना कमाल का होने वाला है। रास्ते मुंबई सेंट्रल को जाने वाली AC एक्सप्रेस, जो कि 120 KMPH की रफ्तार में चलती है अहमदाबाद से लेकर के मुंबई सेंट्रल के बीच में, काफ़ी तेज़ गाड़ी है, काफ़ी कमाल की गाड़ी। मुझे इसमें टिकट नहीं मिल पाया था इसलिए मैं इसमें नहीं आया, वरना मैं AC में आता। और गुजरात मेल भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अगर आप लोगों ने इसमें ट्रैवल किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए, और आपको ये ट्रेन कैसी लगती है ज़रूर जानना चाहूँगा। तो चलिए अब सबसे हमें आने वाला है वडोदरा, चलते हैं देखते हैं वडोदरा में। तो हम लोग 12:06 पर वडोदरा जंक्शन पहुंच चुके हैं, और भुज AC एक्सप्रेस का लास्ट डिब्बा मुझे दिख रहा है, वो जा रही है हमारे सामने से। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से भुज AC एक्सप्रेस जा रही है और हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ले चुके हैं।
यहीं पे आज एक हमारी रात जो गुजरात एक्सप्रेस की शुरू हुई थी वो एंड होगी। मैं आप लोग से मिलूँगा कल सुबह सीधा मुंबई सेंट्रल में। हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग भुज एक्सप्रेस का लास्ट डिब्बा वहाँ पे है जो कि राजधानी के जनरेटर कार जैसा है। ओल्ड आईसीएफ राजधानी के जो रेक्स है उसी को एक को राजकोट दुरंतो चल रही है, एक और दूसरे में भुज एसी एक्सप्रेस चल रही है। हम लोग पहुँच चुके हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन। ये रात और ये पहला दिन हमारा गुजरात मेल में यही एंड होता है। मैं मिलूँगा कल आप लोग से सुबह मुंबई से पहले और दिखाता हूँ आप लोग को लोकल ट्रेन के साथ हमारे एक पहला दिन। आज के लिए गुड नाइट दोस्तों। अपनी शुरुआती दिनों में ट्रेन का नंबर था 01 वापसी का और 02 मुंबई की ओर जाने वाली का, जो कि आज 129 02 129 01 हो चुका है। अभी हम चल चुके हैं वडोदरा जंक्शन से और मैं आप लोग को बता दूं कि अपने शुरुआती दिनों में ट्रेन में मेल सर्विस का कोच लगा करता था जिसके कारण इसका नाम गुजरात मेल पड़ा, पर अब वो मेल सर्विस का कोच लोकशक्ति एक्सप्रेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो उस कोच के साथ चल रही है। ट्रेन की खास बात है इसके 11 एसी कोचेस एक नॉर्मल प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेन होने के बावजूद। तो दोस्तों गुजरात मेल की जर्नी हमारी दादर रेलवे स्टेशन में एंड होती है। इस चीज़ का जो रीज़न है वो आपको मैं हमारे दोस्त सौरभ से मिलवा के बताता हूँ। तो हमारे दोस्त सौरभ आज के ये मुंबई के रेल फैन हैं, ऐसे भी व्लॉग इनका चैनल है आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल के व्लॉग्स बनाते हैं सौरभ। एक्चुअली मेरी ट्रेन जो बैंगलोर की है वो मुंबई सीएसटी से है, बराबर ये ट्रेन जो हमारी गुजरात मेल है मुंबई सेंट्रल जा रही है, बराबर। तो आपने मुझे दादर उतरने क्यों कहा थोड़ा समझा दीजिए। एक्चुअली दादर एक कनेक्टिंग पॉइंट है सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का। अगर आप मुंबई सेंट्रल जाते तो आपको वायर रोड कैप करके सीएसटी जाना पड़ता है, नहीं तो आपको लोकल पकड़ के चर्चगेट जाना पड़ता है और उधर से वायर रोड जाना पड़ता है। दादर में एक्चुअली सेंट्रल और वेस्टर्न कनेक्टिंग पॉइंट है, तो आप यहाँ से आसानी से सीएसटी जा सकते हो, नहीं तो उधर आप दादर से भी पकड़ सकते हो।
मतलब रीज़न ये है कि अगर हमें CSMT या मुंबई सेंट्रल, जैसे हमें गुजरात में सेंट्रल जा रही थी, सेंट्रल तक चला जाता तो मुझे ऑटो या कैब लेके वापस से CST आना पड़ता। इसलिए दादर में उतर के हम लोकल ट्रेन का, इन्होंने टिकट लिया है मेरे, तो उसी से मैं चला जाऊँगा अभी और वहाँ से बोर्ड करूँगा उद्यान एक्सप्रेस जो कि बैंगलोर तक जाती है। तो ओवरऑल गुजरात मेल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही कमाल का था। एक चीज़ पूरी ट्रेन में मेरे को प्रॉब्लम आई पूरी रनिंग, वो थी टिकट अवेलेबिलिटी की। इतने सारे AC कोच होने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं हुई। मेरी सीट RAC थी, पूरी रात RAC रही है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें आप लोग को रात की दिखा भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि वैसे ही एडजस्ट करना पड़ा। ट्रेन काफ़ी क्राउडेड थी, लेकिन ओवरऑल मज़ा बहुत आया। ट्रेन पंक्चुअल थी, राइट टाइम थी। आपने कभी गुजरात में कोई एक्सपीरियंस नहीं? नहीं, जल्दी करना है। बट उद्यान बहुत अच्छी ट्रेन है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेन। तो इसके बाद की जो जर्नी है वो हमारी उद्यान एक्सप्रेस में होने वाली है, तो वो कंप्लीट जर्नी आपको देखने को मिलेगी मुंबई से लेकर बैंगलोर तक। तो बने रहिएगा चैनल में, ऐसी बहुत सारी जर्नीज लेकर के मैं आता रहता हूँ चैनल में। जल्दी मिलेंगे और आने वाले वीडियोस में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। सर एक बाय तो बनता है। चलो बाय। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।